अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने सेकेंड ईयर बायोलॉजी का जो टॉपिक पढ़ना है वो है वर्नलाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बच्चों, हम चैप्टर नंबर 18 का ये सिक्स लेक्चर है, फाइव वाला लेक्चर है, ठीक है। तो पीछे हम लोगों ने जो पढ़ा था वो हम लोगों ने देखा था कि रिप्रोडक्शन क्या होती है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्या होती है। उसके अलावा हम लोगों ने ये देखा था कि जो आ जाता है विटामिन सी, पार्थिनोकार्पी, फ्रूट्स एंड फ्रूट राइपनिंग, और प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने फोटोपीरियडिज्म को देखा था। आज हम देखेंगे वर्नलाइजेशन। बच्चों, मैं आप लोगों को अगर प्रीवियस लेक्चर की बात बताऊं कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने वहां पे फोटोपीरियडिज्म को डिस्कस किया था, ठीक है। तो बच्चों, फोटोपीरियडिज्म जो लाइट का इफेक्ट होता है या लाइट अपना इफेक्ट शो करती है, ठीक है, प्लांट्स के ऊपर, ठीक है, कि वो फ्लावरिंग करे। फ्लावरिंग के लिए लाइट का जो टाइम, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो शॉर्ट डे प्लांट हैं उनको कम लाइट की, वो जो डे लेंथ है उतनी ही चाहिए है लाइट, तो उसमें वो फ्लावरिंग करेंगे। और अगर हम लॉन्ग डे प्लांट की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि लॉन्ग डे प्लांट में के जिनमें टाइम पीरियड ज्यादा होता है लाइट का, जैसे हम कहते हैं गर्मियों में दिन को ज्यादा धूप पड़ती है या ज्यादा देर दिन रहता है, जैसे गर्मियों में यही होता है कि जो रातें होती हैं वो छोटी होती हैं, दिन लंबे होते हैं, इट्स मीन के जो डे लेंथ है वो ज्यादा है, ठीक है। फोटोपीरियडिज्म को हमने देखा था कि लाइट पीरियड जो होता है वो अफेक्ट करता है प्लांट को, ठीक है, लाइट भी अफेक्ट करती है प्लांट को, फोटो पीरियड भी अफेक्ट करता है प्लांट को, उसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोपीरियडिज्म, ठीक है। इसी तरह से बच्चे हम लोगों ने आज पढ़ना है वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन जो पेरिनियल प्लांट और दूसरे आ जाते हैं बाइनियल प्लांट, ठीक है, बाइनियल एंड पेरिनियल। अब अच्छा, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि बाइनियल कौन से हैं और पेरिनियल कौन से हैं। पेरिनियल को हम कह सकते हैं सदाबहार, सारा साल जो जिनका लाइफ साइकिल चलता रहता है। बाइनियल जो एक साल में, तो जिनका लाइफ साइकिल एक साल में दो बार मुकम्मल होता है, लाइफ साइकिल मुकम्मल करते हैं, ठीक है, ये होते हैं बाइनियल। आप पेरिनियल और बाइनियल प्लांट को अगर टेम्परेचर का एक्सपोजर करवाया जाए, ठीक है, वो लो टेम्परेचर एक्सपोजर से उनके अंदर फ्लावरिंग इंड्यूस करवाई जा सकती है, और इसको हम कहते हैं वर्नलाइजेशन, ठीक है। बाइनियल एंड पेरिनियल प्लांट्स आर सिंग रेडी टू फ्लावर बाय एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर, ठीक है, कि बाइनियल और पेरिनियल प्लांट्स को लो टेम्परेचर एक्सपोजर से फ्लावरिंग करवाई जा सकती है, इसको हम कहते हैं, ये थी वर्नलाइजेशन, ठीक है। वर्नलाइजेशन ये जो लो टेम्परेचर स्टिमुलस होता है, ठीक है, इसको रिसीव करती है शूट की अपेक्स, ठीक है। अगर एक मेच्योर स्टेम है तो, ठीक है, उसके जो शूट स्टेम है वो क्या करेगी, या शूट की अपेक्स जो है वो क्या करेगी, वो रिसीव करेगी इस लो टेम्परेचर का स्टिमुलस, ठीक है, या सीड का एम्ब्रियो, लेकिन उसके लीव हम कह सकते हैं कि वो उसको शो नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर उनका असर नहीं हो रहा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को ये बात बताई कि लो टेम्परेचर अफेक्ट करेगा शूट अपेक्स को, शूट अपेक्स, अपेक्स होती है टिप, ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं कि कोई भी शूट है, ठीक है, रूट और शूट का आप लोगों को पता होगा, ये फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट है तो ये इसकी रूट्स हैं, ठीक है, रूट्स में ये इसकी अपेक्स आ जाती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं शूट की, यहां से जो निकल रहे हैं लीव्स वगैरह, ठीक है, अब ये शूट की अपेक्स जो है ये रिसीव करेगी लो टेम्परेचर का स्टिमुलस, या जो सीड है, सीड फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ये बताते हैं ये सीड है, ठीक है, इसका जो एम्ब्रियो होगा वो क्या करेगा, वो रिसीव करेगा लो टेम्परेचर का स्टिमुलस, ठीक है, लेकिन लीव जो होते हैं वो लो टेम्परेचर का स्टिमुलस रिसीव नहीं करते। हम वर्नलाइजेशन की बात हम कर रहे हैं, तो वर्नलाइजेशन में हमने ये कहा है कि प्लांट बाइनियल और पेरिनियल प्लांट्स को
लो टेम्परेचर के जरिए या लो टेम्परेचर एक्सपोज करवा के लो टेम्परेचर उनको दे के करवाई जाती है, फ्लावरिंग करवाई जा सकती है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम वर्नलाइजेशन कहते हैं। अब ये वर्नलाइजेशन के लिए जो लो टेम्परेचर होता है वो रिसीव करता है, शूट अपेक्स रिसीव कर रही है, ठीक है, या सीड का एम्ब्रियो जो होता है वो रिसीव कराता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कुछ प्लांट्स आ जाते हैं वर्नलाइजेशन, उनमें एक एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उनमें एक जरूरी रिक्वायरमेंट है। और कुछ केसेस में ये सिंपली मतलब फ्लावरिंग को इंड्यूस करवाने के लिए रखी जाती है, ठीक है। लो टेम्परेचर का जो ड्यूरेशन होता है, ठीक है, या जिसको हम कहते हैं चिलिंग की ट्रीटमेंट, ठीक है, उसके लिए 4 to 3 months चाहिए होते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 4 degrees centigrade, ठीक है, ये इतना इफेक्टिव होता है। बच्चों ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि लो टेम्परेचर जो हम वर्नलाइजेशन के लिए लो टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है, फ्लावरिंग इंड्यूस करवाने के लिए दे रहे हैं, वो थ्री हम कह सकते हैं या फोर डेज टू थ्री मंथ्स इतने टाइम का टेम्परेचर चाहिए होगा प्लांट को फ्लावरिंग के लिए। लो टेम्परेचर जब हम दे रहे हैं या हम वर्नलाइजेशन अगर प्लांट्स के लिए करवा रहे हैं तो उनको जो हमने टेम्परेचर दिया है उस टेम्परेचर का टाइम या वो 4 दिन होगा, 4 दिन से लेके 3 months तक भी हो सकता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इस लो टेम्परेचर की, तो ये लो टेम्परेचर होता है 4 degrees centigrade, अराउंड 4 degrees। कौन सा टेम्परेचर, अब ये क्वेश्चन है कि कितने डिग्री का सेंटीग्रेड का टेम्परेचर अफेक्ट करता है वर्नलाइजेशन को, तो हम कहते हैं कि 4 degree का टेम्परेचर जो है वो 4 degrees centigrade टेम्परेचर वो अफेक्टिव होता है वर्नलाइजेशन के लिए, ठीक है। ये क्या करता है, अब ये टेम्परेचर में क्या करना है, ये वर्नालिन हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, आप उससे नेक्स्ट वर्नलाइजेशन होगी, ठीक है। टेम्परेचर जो लो चाहिए है वो 4 days to 6 months तक हमें हम दे सकते हैं वर्नलाइजेशन करवाने के लिए, ठीक है। और टेम्परेचर कितने डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, 4 degrees centigrade। ये 4 degrees centigrade हार्मोन क्या करता है, ये वर्नालिन हार्मोन प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। 4 degrees centigrade का टेम्परेचर ये प्लांट्स में प्रोड्यूस करवाता है वर्नालिन हार्मोन। ये वर्नालिन हार्मोन क्या करता है, वर्नलाइजेशन का प्रोसेस करवाता है। ये भी देखा गया है कि वर्नालिन इतना स्पेशल नहीं है, असल में ये क्या होते हैं, जिब्रेलिन होता है, जिब्रेलिन एक हार्मोन है, जिब्रेलिन ये ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। ये देखा गया, स्टडी किया गया कि वर्नालिन हार्मोन वर्नलाइजेशन हमने ये कहा है कि करवाता है, लेकिन ये इतना भी जरूरी नहीं है, इतना भी काम नहीं करता कि जितना के जिब्रेलिन करता है, ठीक है। ये देखा गया है कि वर्नालिन इज नथिंग स्पेशल बट एक्चुअली इज जिब्रेलिन, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं फोटोपीरियडिज्म की और वर्नलाइजेशन की, तो फोटोपीरियडिज्म और वर्नलाइजेशन ये क्या करते हैं, ये सिंक्रोनाइज करते हैं रिप्रोडक्टिव बिहेवियर प्लांट का जो है, ठीक है, अपने एनवायरमेंट के साथ उसको। और दूसरा क्या करते हैं, ये इंश्योर करते हैं रिप्रोडक्शन को कि वो फेवरेबल टाइम पे होगी, ईयर के फेवरेबल टाइम पे होगी, ठीक है। उसके अलावा ये मेंबर जो होते हैं सेम स्पीशीज के, ठीक है, वो सेम टाइम पे फ्लावरिंग करते हैं, इसकी वजह से वर्नलाइजेशन की वजह से, ठीक है। और उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि क्रॉस पोलिनेशन को भी ये इंकरेज करता है, ठीक है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी के लिए। बच्चों यहाँ पे फोटोपीरियडिज्म और वर्नलाइजेशन का फंक्शन भी है कि फोटोपीरियडिज्म और वर्नलाइजेशन किस तरह से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो फोटोपीरियडिज्म और वर्नलाइजेशन इस वजह से भी हम बनाते हैं, यहाँ पे पॉइंट बनाया गया हो तो हम ये देखते हैं कि ये जो प्लांट का रिप्रोडक्टिव बिहेवियर होता है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर ऑफ प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के लिए, ठीक है। दूसरा क्या करते हैं कि ये प्लांट को उनकी जो रिप्रोडक्शन है
इसको क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन एट, रिप्रोडक्शन को करवाते हैं एट फेवरेबल टाइम, फेवरेबल टाइम ऑफ द ईयर। ठीक है, कि ईयर के फेवरेबल टाइम में इन्होंने रिप्रोडक्शन करवानी है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं, सेम स्पीशी, सेम स्पीशी फ्लावर एट सेम टाइम। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है क्रॉस पोलिनेशन को भी करवाते हैं, कि जब सेम स्पीशी के जो मेंबर हैं वो करेंगे सेम टाइम पे पोलिनेशन करेंगे। ठीक है, तो उस वक्त उनके अंदर सेम स्पीशी के मेंबर सेम टाइम पे फ्लावरिंग करेंगे, तो उस वक्त उनके अंदर क्रॉस पोलिनेशन भी करवाई जा सकती है। बच्चों नेक्स्ट हम लोगों ने जो टॉपिक देखना है वो हमने देखना है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अभी हम लोगों ने वर्नलाइजेशन को देखा है, वर्नलाइजेशन का मैं दोबारा से आप लोगों को बता दूं, वर्नलाइजेशन में हमने ये देखा है कि बायनियल और पेरिनियल प्लांट्स को के अंदर फ्लावरिंग करवाई जा सकती है बाय एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर से उनके अंदर करवाई जा सकती है फ्लावरिंग। इसको हम कहते हैं वर्नलाइजेशन। ठीक है, वर्नलाइजेशन और जो फोटोपीरियोडिज्म है ये किस तरह से इम्पोर्टेंट है, कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए होता है, 4 डेज टू 3 मंथ्स तक हम ये उस टेम्परेचर को दे सकते हैं, फिर प्लांट फ्लावरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बच्चों हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स देखा था। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि प्लांट शो करते हैं डिप्लो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, डिप्लो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल मीन के उनमें एक, उनके पास एक जनरेशन आती है डिप्लॉइड, दूसरी आ जाती है हैप्लॉइड। ठीक है, हैप्लॉइड जनरेशन वो अल्टरनेट करती है डिप्लॉइड को, डिप्लॉइड करती है अल्टरनेट करती है हैप्लॉइड को। ठीक है, वो शो कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं, ए सेक्सुअल भी शो करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में भी देखते हैं कि एनिमल्स भी दो तरह की रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और ए सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होते हैं। बच्चों इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने ये देखा था कि रिप्रोडक्शन क्या होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने ये देखा था कि टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और एसेक्सुअल में आप लोगों ने देखा था कि इनमें वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, वो मेल हो सकता है या वो फीमेल हो सकती है। ठीक है, इसमें गैमेट्स बनते हैं, इसमें गैमेट्स नहीं बनते। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को वहां पे एक्सप्लेन किया था इनके जो जो भी डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग ये देखेंगे कि इन एनिमल्स में रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, हमने ये कहा है कि एनिमल्स में रिप्रोडक्शन दोनों तरह से हो रही है, ये सेक्सुअली भी हो रही है और एसेक्सुअली भी हो रही है। लेकिन एनिमल में, प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा देखने में आती है, लेकिन सेक्सुअल कहां। इसी तरह से अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा होती है और एसेक्सुअल देखने में कम है। ठीक है, उसके अलावा देखिए हम कहते हैं कि बाइनरी फिशन होती है, मल्टीपल फिशन होती है, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन ये मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। बच्चों आप लोगों को पता है कि बाइनरी फिशन में क्या होता है, डिवाइडेड इनटू टू, कि एक एनिमल है फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये अमीबा है। ठीक है, इसने क्या करना है, अपने ही जैसे ये टूटेगा। ठीक है, फिशन का मतलब होता है टूट जाना, ये टूटेगा और इसने क्या करना है, दो में डिवाइड होता है। ठीक है, प्रोसेस होते हैं, ये प्रोसेस होता है बाइनरी फिशन का। अगर हम बात करते हैं मल्टीपल फिशन की, ये डिवाइड हो जाते हैं इंटू मैनी न्यू आर्गन। ठीक है, यहां पे हम अगर लिखते हैं तो हम कहते हैं ये कोई भी सेल है। ठीक है, इसने क्या करना है, या हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं उसकी विनेरिया,
इसका ये हिस्सा अलग हो गया, ये अलग हो जाता है, ये वाला अलग हो जाता है। अब तीनों क्या करेंगे, अपना नया नया पार्ट तैयार कर लेंगे जो वाला मिसिंग है, इस तरह से, ठीक है। बाइनरी फिशन होगी, मल्टीपल फिशन, मल्टीपल फिशन में क्या होता है कि वो एक से ज्यादा हिस्सों में डिवाइड होते हैं, हर हिस्सा एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार कर लेता है। इसी तरह से क्लोनिंग आ जाती है, आइडेंटिकल ट्विन्स आ जाते हैं। क्लोनिंग का पता है आप लोगों को कि क्लोनिंग में क्या करते हैं कि एक ही जैसे आइडेंटिकल तैयार किए जाते हैं, क्लोन तैयार किए जाते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोनिंग, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आइडेंटिकल ट्विन्स। आइडेंटिकल ट्विन्स क्या होते हैं कि एक जैसे जो संतान सेल क्या करता है, एक से ज्यादा सेल फर्टिलाइज हो जाते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा हम कह सकते हैं एग फर्टिलाइज हो जाते हैं, ठीक है, और वो हम दोनों एक दोनों अलग से उनके अंदर जायगोट वगैरह बनता है, फिर वो फर्दर बीन वगैरह होती हैं। जिस तरह से एक जो हम कह सकते हैं कि बेबी माता है, उसी तरह से दो बन जाते हैं, हम इसको कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस या बन जाते हैं, ठीक है। अब ये मेथड है सारे के सारे बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, क्लोनिंग, आइडेंटिकल ट्विन, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड है। अब बच्चों हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में कैसे होती है। बच्चों मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था पार्थिनोकार्पी के बारे में। पार्थिनोकार्पी क्या होती है, पार्थिनोकार्पी में जब एक हम कह सकते हैं कि फ्रूट की फॉर्मेशन हो विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड नो सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, कि जब एक फ्रूट की फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, ठीक है, उसने वो फ्रूट बन गया है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बगैर फ्रूट बना है, फ्रूट की फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के बगैर हो गई है, लेकिन उसमें सीड्स भी नहीं बनेंगे, उसको हम कहेंगे पार्थिनोकार्पी। आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब नेक्स्ट आता है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस, अब जो पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है कि एक एग की डेवलपमेंट जो होती है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये होता है प्लांट्स में, हो सकता है बीज में होता है, वेस्ट में, वेस्ट इसकी एग्जांपल है, ये आप लोगों ने याद रखना है। पार्थिनोजेनेसिस होता है एनिमल्स में, ठीक है, इसमें एग की फर्टिलाइजेशन होती है, एग की फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ठीक है, डेवलपमेंट एक एग की होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन। हम ये कह सकते हैं कि एग की फॉर्मेशन हुई, एग बना है विदाउट फर्टिलाइजेशन, एग फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, के फर्टिलाइजेशन के बगैर जब एग बन जाता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। इसकी एग्जांपल है आंट्स, बीज, वैस। अब बच्चों आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में से, एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, डिफरेंस आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पार्थिनोजेनेसिस एंड पार्थिनोकार्पी। अभी मैं आप लोगों को पार्थिनोजेनेसिस की एक एग्जांपल देती हूँ कि आप लोगों ने हनी बीज देखी होंगी, ठीक है। हनी बीज में जो मेल्स होते हैं या जिनको हम ड्रोन्स कहते हैं, ठीक है, वो कहाँ से बनते हैं, वो अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं। ये याद रखें कि जो हनी बीज होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा कि उसमें काफी सारी वो होती हैं, कोई मलका मक्खी होती है, कोई कार्कुन मक्खियां होती हैं, ठीक है, वो अंडे देने वाली होती हैं, उसके अलावा वो कुछ मेल ड्रोन्स होते हैं, ठीक है। अब हनी बीज में जो मेल ड्रोन मेल मक्खियां होती हैं, ठीक है, मेल या जिनको हम कहते हैं ड्रोन्स, ये विदाउट फर्टिलाइजेशन एग की, जब विदाउट एग फर्टिलाइज देखे जो हनी बी है उसने बहुत ज्यादा तादाद में अंडे देने हैं, ठीक है, और कुछ फर्टिलाइज हो जाएंगे, कुछ फर्टिलाइजेशन जिनमें नहीं होगी। अब जो तो फर्टिलाइज हुए थे, ठीक है, उन्होंने तैयार की थी, अब फर्टिलाइज एग ने क्वीन भी तैयार की थी, ठीक है, और जो मेल है वो विदाउट जो है ना, या कह सकते हैं कि विदाउट फर्टिलाइजेशन एग्स जिनकी जो थे उनसे बने थे, या हम कह सकते हैं कि मेल डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। जो क्वीन बी होती है, ठीक है, क्वीन बी जो मलका मक्खी की हम बात करते हैं, तो मलका मक्खी
के पास देखिए, क्योंकि मेल गैमेट्स आते हैं ठीक है मेल में से, उसके पास एबिलिटी होती है, क्वीन का क्या काम होता है कि वो अंडे देती है ठीक है, और वो जो आए थे स्पर्म मेल से उससे सारे के सारे फर्टिलाइज नहीं हो सके थे ठीक है, जो स्पर्म से बने थे स्पर्म उसने रिसीव किए थे ठीक है, उनसे ड्रोन भी बनी ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उनके पास हम कह सकते हैं कि द स्पर्म शी रिसीव फ्रॉम अ ड्रोन बी आर स्टोर्ड इन अ पाउच क्लोज अप बाय अ वॉल, कि जो स्पर्म उसने रिसीव किए थे ड्रोन बी से ठीक है, वो उसने अपने पास जो पाउच सी था या जो उसके पास थैली थी उसके अंदर उसने स्टोर कर लिया ठीक है, एंड कुछ फर्टिलाइज होंगे और कुछ नहीं होंगे उन स्टोर स्पर्म में से जो उसके पास स्पर्म, लेकिन जो हम बात करते हैं ना मेल से जो स्पर्म आए थे ठीक है, अभी हम लोगों ने ये बात की है कि ड्रोन्स कैसे बनते हैं, जब जो एग है उनकी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो ड्रोन्स बन जाएंगे ठीक है, इन मेल से या इन ड्रोन से जो स्पर्म आते हैं वो मलका मक्खी अपने पास सेव करती रहती है ठीक है, तो जब एग्स होते हैं उसके पास ठीक है, तो उनसे क्या होना होता है, फर्टिलाइजेशन शुरू होनी होती है ठीक है, अब वो ज्यादा तादाद में एग हैं क्योंकि इस वजह से कुछ जो एग्स हैं वो फर्टिलाइज हो सकेंगे कुछ नहीं हो सकेंगे ठीक है, जिसकी वजह से जो रह गए हैं उनसे बन जाएंगे ड्रोन्स ठीक है, ये जो हैप्लॉयड एग से नेक्स्ट हैप्लॉयड ऑफस्प्रिंग ही आएगा ठीक है, और इसको हम हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस भी कह सकते हैं ठीक है, कुछ केसेस में जैसा कि एफिड है उसमें डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस भी होती है, अब यहाँ पे हम भी कह सकते हैं हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस कौन से होते हैं, जिसमें हैप्लॉयड एग से हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया ठीक है, और एक होती है डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस, आप लोगों को इस बात का पता है कि हैप्लॉयड क्या होते हैं और डिप्लॉयड क्या होते हैं, डिप्लॉयड जिसमें फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ठीक है, और हैप्लॉयड होता है जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस होती है एफिड में ठीक है, इसमें जो एग प्रोड्यूसिंग सेल होते हैं फीमेल के वो एक जो मॉडिफाइड फॉर्म है मियोसिस की उसमें से गुजरते हैं ठीक है, जिसमें नॉन डिसजंक्शन होती है क्रोमोसोम की, टोटल नॉन डिसजंक्शन होती है क्रोमोसोम की ठीक है, इस वजह से उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या करते हैं वहीं के वहीं रहते हैं ठीक है, डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस ये होती है एफिड्स में ठीक है, एफिड्स क्या करते हैं, इन एफिड्स में जब डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस होगी तो उनके जो फीमेल होती है एग प्रोड्यूसिंग सेल जो फीमेल के होते हैं उनके अंदर मियोसिस होती है, एग्स जो होते हैं एफिड के ठीक है, एग्स में मियोसिस होगी, अब जो मियोसिस होगी आप लोगों को इस बात का पता है कि मियोसिस में नेक्स्ट जो आगे जब एनाफेज आती है माइटोसिस में भी या मियोसिस दोनों में, तो उसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम की सेपरेशन होती है, क्रोमोसोम से अलग अलग पोल्स की तरफ जाना होता है ठीक है, लेकिन जब एफिड में डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस होगी तो उस वक्त जो एग प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं फीमेल के उनके अंदर जो मियोसिस होगी उसमें टोटली नॉन डिस्टिंक्शन होगी, सेल्स जो क्रोमोसोम थे सेल के वो बिल्कुल भी अलग नहीं होंगे, इस वजह से वो उसी के उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएंगे ठीक है, जिसको हम कहेंगे कि इनके अंदर हो गई है डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस का एडवांटेज ये है कि इससे जो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव रेट होता है वो एक्सेलरेट होता है ठीक है, तेजी से होता है रिप्रोडक्टिव रेट एडवांटेज एक्सेलरेटिंग द नॉर्मल रिप्रोडक्टिव रेट ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट की एक और फॉर्म पार्थेनोजेनेसिस की है उसको हम कहते हैं एक्टोमिक्सिस, हमने बात की हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस की डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस की, अब ये जो एपोमिक्सिस है ये है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो पार्थेनोजेनेसिस होती है एक फॉर्म है ठीक है, जिसको हम कहते हैं एपोमिक्सिस, इसमें होता क्या है जो डिप्लॉयड सेल होता है ओव्यूल का वो एक फंक्शनल एम्ब्रियो बना देता है ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ मेल गैमेट, ये बात याद रखनी है आप लोगों ने कि एपोमिक्सिस क्या होती है, इसमें जो ओव्यूल के डिप्लॉयड सेल है ठीक है वो सीधे सीधे क्या बना देते हैं फंक्शनल एम्ब्रियो बना देते हैं मेल गैमेट की रेड मौजूदगी में ठीक है,
और रेस्ट जो ओव्यूल का है, जो रेस्ट ऑफ ओव्यूल रह जाएगा वो सीड बना देगा और ओवरी फ्रूट तैयार कर देगी। बच्चों आज हम लोगों ने वर्नलाइजेशन को देखा है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को देखा है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग को डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने इसको बुक से देख लेना है, बुक से कंसल्ट करना है, अच्छे तरीके से तैयार करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।